हेलो पीपल, मैं हूँ शैन मक एंड वेलकम बैक टू चैनल। तो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ से भी ये वीडियो देख रहे होंगे हेल्दी और सेफ होंगे। तो गाइस, ये है पार्ट 3 कंटिन्यूएशन ऑफ स्टडी इन लातविया। जैसा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, मैं सीरीज़ बनाऊंगा। तो गाइस, मैंने सीरीज़ बनाई, 2 वीडियो ऑलरेडी आप जाके देख सकते हैं, जहाँ फर्स्ट वीडियो मैंने आपको समझाया है हाउ टू टेक एडमिशन लातविया। सेकेंड वीडियो मैंने आपको समझाया है कि जब एडमिशन हो जाता है, ऑफ़र लेटर, इनविटेशन लेटर आ जाते हैं, तो आपको वीज़ा एप्लीकेशन के लिए कैसे प्रोसीड करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अरेंज करना है और कैसे अपॉइंटमेंट बुक करनी है VFS ग्लोबल में। जब आप वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं तो आपको वो बताते हैं कि आप जाइए, आपको ईमेल या कॉल आ जाएगा आपकी डेट्स और टाइम के साथ। नॉर्मली ईमेल आता है व्हेन टू गो फॉर योर स्टूडेंट वीज़ा इंटरव्यू। तो बस गाइस, आज इस वीडियो में हम स्टूडेंट वीज़ा इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे। देखिए गाइस, मुझे पता है, मैं भी पर्सनली अभी कुछ ही महीनों पहले इस चीज़ से गुजर चुका हूँ। मुझे पता है गाइस, बहुत टेंस मोमेंट होता है जब स्टार्ट करते हैं हम अपनी जर्नी लाइक टू स्टडी इन यूरोप। टिल द एंड हमें वीज़ा मिलने तक एवरी डे कुछ ना कुछ सस्पेंस होता है, अलग अलग ख्याल अंदर आते हैं। मैं समझ सकता हूँ गाइस, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को भी यही फीलिंग हुई थी, मुझे भी यही हुई थी। तो उसके पहले मैं आगे बढ़ूँ, वीज़ा इंटरव्यू क्वेश्चंस आपसे शेयर करूँ। मैं आपको पहले बता दूँ गाइस, मैंने प्रोसेस कब स्टार्ट किया था। तो गाइस, मैंने फर्स्ट टाइम मैंने प्रोसेस स्टार्ट किया था 16th October 2021, और फाइनली गाइस मुझे वीज़ा मिला 11th January 2022। गाइस आप देख सकते हैं, रफली 3 months का टाइम लगा। चलिए गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कॉमन क्वेश्चंस जो पूछा जाता है जब आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए जाते हैं इंटरव्यू के लिए। अब जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था गाइस, अब एट प्रेजेंट वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इंटरव्यू लेते हैं। जब आपको ईमेल आती है VFS ग्लोबल से, उस ईमेल में मेंशन होता है डेट एंड टाइम और वेन्यू, कहाँ जाना है आपको, किस VFS लोकेशन पे जाके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वीज़ा इंटरव्यू देना है। अब गाइस, ये ईमेल आ जाएगा तो आप वहाँ पे चले जाइए, वो आपका रिसीट देखेंगे जो आपने पेमेंट की थी एप्लीकेशन के वक्त। उस रिसीट को देख के आपको एक रूम में वो बिठा देंगे। अब उस रूम में वो आपको कनेक्ट करके लैपटॉप पे दे देंगे। वीज़ा ऑफिसर उस तरफ होगा, उसकी पिक्चर या वीडियो आप नहीं देख सकते, बट वो आपको देख सकता है। मेक श्योर गाइस, जब आप एंटर करें, आप उस सीट पर बैठे, तो आप कॉन्फिडेंट रहे गाइस, आप नर्वस ना हो। आप ये ढूंढने कोशिश ना करें कि ये तो ब्लैंक स्क्रीन है, मुझे तो नहीं दिख रहा है कौन है सामने। इस सब से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बस आप अज्यूम करना जो सेंटर, जो लैपटॉप के सेंटर में जो एक छोटा सा कैमरा होता है गाइस, बस आपकी आँखें वहीं होनी चाहिए। क्योंकि अज्यूम कीजिए, जब आप उस सेंटर में देखते हैं तो आप वीज़ा ऑफिसर की आँखों में आँख डाल के बात कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस। अब हम बात करते हैं कुछ कॉमन क्वेश्चंस की। तो पास्ट में गाइस, जितना मैंने रिसर्च किया है, ऑलमोस्ट 50 स्टूडेंट्स के मैंने इंटरव्यूज़ देखे हैं और मैंने नेट पे रिसर्च किया है। मैंने खुद ने अपने लिए बहुत प्रिपरेशन की थी गाइस, क्योंकि मुझे पता नहीं था कब वो कौन सा क्वेश्चन पूछते। गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको बाकी लोगों तक नहीं डराऊंगा कि ये बहुत टफ होता है। जी हाँ गाइस, टफ होता, बट मैं आपको बताता हूँ, मेरे लिए बहुत आसान था गाइस। मुझे भी बहुत नर्वसनेस हो गई थी स्टार्टिंग में, पर जब मैं उस रूम में गया, जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग स्टार्ट हुई, विद इन 2 मिनट्स मैं एकदम कॉन्फिडेंट हो गया था गाइस। मुझे अंदर से फीलिंग आ गई थी, बॉस मैं ये क्रैक कर लूँगा। तो चलिए, पहले कुछ कॉमन क्वेश्चंस मैं आपको बताऊँगा जो वो पूछ सकते हैं आपसे, उसके बाद मैं अपने बारे में बताऊँगा मुझसे क्या क्वेश्चंस उन्होंने पूछा था। तो पहला क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं गाइस, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अब गाइस देखिए, जब कोई आपको बोलता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अब ये डिपेंड करता है ये सवाल आपसे कहाँ पूछा गया है। स्कूल में पूछा जाएगा तो उसकी जवाब, द वे यू आंसर, जैसे आप आंसर तो वो बदल जाता है। जॉब इंटरव्यू में अगर आपको पूछते हैं हाउ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो वहाँ भी सवाल का जवाब है वो अलग तरीके से दिया जाता है। बट आज हम बात करें वीज़ा इंटरव्यू के बारे में, तो अगर आपको पूछेंगे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आपको सिर्फ इतना बोलना है, माई नेम इज़ सो एंड सो, मेरा फुल नाम ये है, माई फुल नेम इज़ दिस, आई हैव कम्प्लीटेड माई बैचलर्स डिग्री, आई हैव कम्प्लीट माई 12th स्टैंडर्ड इन द ईयर मैंशन कर देना, कौन से स्ट्रीम्स आपने कम्प्लीट किया है वो मैंशन कर देना, और अपने बारे में एक या दो लाइन में आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं।
जैसे कि आई कम्प्लीटेड माई एजुकेशन, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड, क्योंकि उनको हमेशा इंटरेस्ट होता है वीज़ा ऑफिस जानने में कि आपको इंटरेस्ट किस चीज़ में था और आगे किस चीज़ में होगा, क्या आप एक ही रूट एक ही ट्रैक पे जा रहे हैं या आप हमेशा स्विच करते रहते हैं अपने लाइफ में। अगर आप हमेशा स्विच करते रहेंगे, फॉर एग्जाम्पल ट्वेल्थ आपने साइंस की है, फिर आपने बिजनेस स्टडी की है, फिर आपने साइंस ले लिया, तो वो स्टेबिलिटी नहीं होती है गाइस, और इस रीज़न से वो आपको रिजेक्ट कर सकते हैं, इस बात का आप ख्याल रखना। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो सेकंड क्वेश्चन में वो आपसे पूछ सकते हैं व्हाई लातविया। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है गाइस, इसका आंसर आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, बस लातविया के बारे में कुछ रिसर्च कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर मैं आंसर दूँ तो बहुत कॉमन तीन आंसर्स है इस क्वेश्चन के, लातविया इज अ वेरी लेस पॉपुलेटेड कंट्री, इज अ शेंगेन कंट्री, द डिग्री ऑफर देयर इज हाईली एक्सेप्टेड, यहाँ की डिग्री वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत लो है और ट्यूशन फीस भी बहुत लो है इसलिए। अब गाइस वो आपको पूछ सकते हैं ये स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी ही क्यों चूज़ किया, मेरे केस में मैंने रीगा टेक्निकल यूनिवर्सिटी चूज़ किया था, वो आपको पूछ सकते हैं आपने यही यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ किया, ले पाया है यूनिवर्सिटी ऑफ लातविया है, रीगा है, तुरीबा है, तो आपको इसका आंसर प्रिपेयर करना है। अगर मुझे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो मैं सिंपली कह सकता हूँ बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, QS रैंकिंग इसकी 751 है और इसकी डिग्री जैसा मैंने आपको बताया वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज है। अब गाइस वो आपको पूछ सकते हैं, देखिए कुछ कॉमन चीज़ें वो पूछते हैं तो इसलिए मैं जो कॉमन क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन वही मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। अब आपको गाइस पूछ सकते हैं क्या वेदर है लातविया का, तो गाइस आपको पता होना चाहिए, आप रिसर्च कर सकते हैं। अभी के लिए मैं आपको बता सकता हूँ दिसंबर फर्स्ट वीक से लेके फेब लास्ट वीक तक विंटर होता है गाइस, फेब से लेके जून तक फर्स्ट वीक तक हो सकता है आपका स्प्रिंग होता है, जुलाई से लेके सितंबर तक वो समर होता है और सितंबर से लेके दिसंबर तक वो आपका ऑटम होता है। गाइस मैंने आपको ब्रीफली बता दिया, आप और रिसर्च कर सकते हैं। वो ये भी पूछ सकते हैं मिनिमम क्या होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होता है, तो गाइस विंटर में मिनिमम टेम्परेचर -20 तक भी जा सकता है और मैक्सिमम -5 डिग्री या +1 तक जा सकता है। अब स्प्रिंग में गाइस 0 to +15 हो सकता है, समर में आपको पता ही है कभी कभी 25 + 25 तक जा सकता है और मिनिमम आप अगर देखें तो 10 डिग्रीज तक होता है +10 डिग्री। अब गाइस ऑटम में भी ऐसा ही कुछ है, +12 से लेके 0 डिग्री तक रेंज होता है टेम्परेचर, तो मैंने आंसर यहीं दे दिया। अब गाइस वो पूछेंगे आपके फैमिली के बारे में, व्हाट इज़ योर फैमिली बैकग्राउंड, बैकग्राउंड इन द सेंस गाइस वो पूछेंगे व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, व्हाट इज़ योर मदर डू, कितने मेम्बर्स हैं आपके फैमिली में। फिर आपको गाइस वो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं इज एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर सिचुएटेड इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, लाइक क्या आपके फैमिली मेम्बर्स में कोई यूरोप में है ऑलरेडी सेटल्ड है या वहाँ पे रहते हैं या कोई और भी कंट्री में सेटल्ड है। तो गाइस देखिए इसके पीछे एक बात मैं आपको पहले बता दूं गाइस, जो वीज़ा ऑफिसर्स होते हैं वो हाईली एडुकेटेड होते हैं, उन्हें ग्लोबल ज्योग्राफिकल फीचर्स, ग्लोबल हिस्ट्री, लाइक यू नो उनको बहुत नॉलेज होती है, और अगर आप झूठ बोलने की कोशिश करेंगे, अगर आप उनको घुमाने की कोशिश करेंगे तो ट्रस्ट मी गाइस दिस इज़ अ बैड आइडिया, आप ऐसा मत करना, जो भी सच सच है आप बता देना। अब ये जो क्वेश्चन है कोई क्या कोई आपका मेम्बर यूरोप में रहता है, तो गाइस इसके इसको पूछने के पीछे एक ही रीज़न होता है, वो जानना चाहते हैं कि क्या आप एक्चुअली स्टडी करने जा रहे हैं या स्टडी सिर्फ एक बहाना है ताकि आपके जो फैमिली मेम्बर या आपकी फ्रेंड जो आप ऑलरेडी वहाँ हैं आप उनसे जाके वहाँ मिल जाएंगे। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाहता था, इसको इस बात का ख्याल रखना। फिर गाइस वो पूछ सकते हैं आप ट्रैवल कैसे करोगे लातविया में, तो गाइस देखिए आप कोई स्टूडेंट अगर रियली सीरियस है, अगर उसको रियली लातविया में जाके पढ़ना है तो वो बहुत सारी चीज़ों का पता पहले लगा लेगा, हॉस्टल का डिस्टेंस कितना है यूनिवर्सिटी से, क्या चार्जेस है, अगर मेरा हॉस्टल डिस्टेंस 3-4 किलोमीटर है तो मैं कैसे यूनिवर्सिटी पहुंचूंगा, क्या मैं चल के जाऊंगा, क्या कोई बस सर्विसेज है, अगर बस सर्विसेज है तो मंथली कितना कॉस्ट है। तो गाइस जब मैं मुझसे जो सवाल पूछे गए थे जब मैं उनके आंसर्स दूंगा तो सभी कुछ मैं कवर कर दूंगा, अभी मैं फिलहाल कॉमन क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। इसके बाद गाइस वो पूछ सकते हैं व्हाई ओनली लातविया, व्हाई नॉट जर्मनी, फ्रांस, देयर आर लॉट ऑफ अदर शेंगेन कंट्रीज, वो पूछ सकते हैं गाइस कि बहुत सारी डेवलप, बहुत सारी ब्यूटीफुल, बहुत सारी मोर फेमस है कंट्रीज शेंगेन जोन में, तो आप वहाँ क्यों नहीं गए, गाइस उसका आंसर भी अकॉर्डिंगली आप दे सकते हैं।
मेरे हिसाब से बेस्ट आंसर जो होगा, सी आंसर्स डिपेंड करता है, वेरी करता है प्रोफाइल टू प्रोफाइल, बट नॉर्मली जो काम करता है जो आंसर, वो आंसर ये है गाइस कि जर्मनी। आई वुड लव टू स्टडी इन जर्मनी बट दी लिविंग कॉस्ट इज़ वेरी हाई, वहाँ की जो एवरीडे की कॉस्ट है, लिविंग कॉस्ट बहुत हाई है, प्लस ट्यूशन फीस भी थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए मैंने लातविया चूज़ किया क्योंकि लातविया में ट्यूशन फीस भी कम है, प्लस इक्विवेलेंट डिग्री हमें मिलती है। जर्मनी और लातविया की डिग्री आप कंपेयर करेंगे, दोनों ही शेंगेन कंट्री है, दोनों की डिग्री इक्विवेलेंट है गाइस। तो ये एक सेंसिबल आंसर लगता है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं, बट गाइस आप अपना भी रिसर्च कर लेना। तो गाइस ये कुछ बेसिक कॉमन सी क्वेश्चंस थे, और हाँ, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि अगर आप स्टडी के लिए लातविया जा रहे हैं तो इंडिया में आपके पीछे यहाँ कौन है, क्योंकि उन्होंने ये सवाल पूछने के पीछे उनका रीज़न ये होता है, ये वो जानना चाहते हैं कि अगर आपको कुछ हो जाता है बाय चांस, या आप कहीं फंस जाते हैं फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, कौन आपकी मदद करेगा इंडिया में। बिकॉज गाइस अगर फॉर एग्जांपल आपके वहाँ कार्ड नहीं चलते, ब्लॉक हो गया है, कौन आपको कैश या अपने आपके अकाउंट में पैसे भेज सकता है, वो ये भी जानना चाहते हैं। क्योंकि गाइस देखिए कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ गारंटी नहीं होती लाइफ में किसी दूसरे कंट्री में, इसलिए ये सब सवाल वो पूछते हैं। तो गाइस जो बहुत इंपॉर्टेंट मेन क्वेश्चंस थे वो मैंने आपसे शेयर कर दिए हैं। और एक और क्वेश्चन है गाइस स्पॉन्सर के बारे में, मैंने इसलिए पहले नहीं बताया क्योंकि मुझसे सवाल पूछा गया था, तो मैंने सोचा मैं आगे कवर कर लूँ, पर मैं बता देता हूँ, वो पूछेंगे हु इज़ योर स्पॉन्सर। तो अगर आप सेल्फ स्पॉन्सर्ड है, ऑलरेडी आपके अकाउंट में अच्छे खासे अमाउंट आपने सेव किए हैं, तो आप बोल सकते हैं आई हैव सेल्फ स्पॉन्सर्ड माई सेल्फ। अगर आपके कोई दूसरे स्पॉन्सर है, लाइक आपके मॉम, डैड, ब्रदर, अंकल, आंटी, एनी बड़ी फ्रॉम फैमिली, कोई भी वो हो सकते हैं, तो आपको उनके बारे में, उनकी जॉब प्रोफाइल के बारे में, उनकी स्टेबिलिटी के बारे में वो अपने हिसाब से सवाल पूछते हैं गाइस। तो आप इस बात का ख्याल रखना, वो इसलिए स्टेबिलिटी के बारे में पूछते हैं क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आपका ब्रदर आपको स्पॉन्सर कर रहा है, वो खुद ही 2 साल पहले ही उन्होंने जॉब ज्वाइन किया है, उनके अकाउंट में खुद ही उतने सारे फंड नहीं है, तो वो आपको कैसे सपोर्ट करेंगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है। तो गाइस इस बात का आप ख्याल रखना। तो चलिए गाइस फाइनली जो कॉमन क्वेश्चंस थे वो मैंने कवर कर लिए, अब फाइनली वो वक्त आ गया है जिस चीज का आप वेट कर रहे थे। मैं बताता हूँ आपको उन्होंने मुझसे क्या पूछा था। तो गाइस जैसा कि लास्ट वीडियो में आपको मैंने बताया था कि 10th दिसंबर 2021 को मैंने एप्लीकेशन सबमिट की थी, और गाइस वो मंडे का दिन था आई एम नॉट रॉन्ग, और नेक्स्ट मंडे को मुझे ईमेल आ गई थी कि आपका जो वीज़ा इंटरव्यू है वो 20th दिसंबर 2021 के लिए स्केड्यूल किया गया है, 10:15 का इंटरव्यू है, तो मेक श्योर आप वहाँ 10 बजे पहुँच जाना। तो गाइस ये था, तो मैं 9:30 को ही VFS ग्लोबल के बाहर पहुंच गया था, और 9:45 को उन्होंने मुझे अंदर जाने दिया। जब मैं अंदर गया तो मैं अपने साथ, मैंने वो रिसीट होती है ना जब हम पे करते हैं, वो मैंने रखी थी, मैंने उनको वो दिखा, उन्होंने कहा थोड़ा वेट कीजिए। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो रूम था उसके अंदर वो गए, उन्होंने कुछ प्रिपरेशंस की होगी, उसके बाद 10 मिनट बाद मुझे बुलाया गया, बोला सर प्लीज़ कम इनसाइड, अंदर आ जाइए, आपका इंटरव्यू अभी स्टार्ट होगा जब आप इस पर क्लिक करेंगे। और वो चले गए, जो VFS ग्लोबल के एम्प्लॉय थे वो चले गए। तो मैं वहाँ बैठा गाइस, मैंने क्लिक किया, इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, उन्होंने मुझे सामने से हाय कहा, मैंने कहा हाय, हेलो, हाउ आर यू डूइंग टुडे सर। देखिए गाइस जब आप किसी भी कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हैं तो बड़े पोलाइट रहिए, बड़े मॉडेस्ट रहिए, और ग्रीटिंग्स तो होना ही चाहिए गाइस। तो सामने से वो शायद लातवियन नहीं थे, मोस्टली लातवियन और वीज़ा ऑफिसर्स ही इंटरव्यू लेते हैं, बट वो इंडियन थे, अब हो सकता है कि वो लातवियन एम्बेसी को भी प्रेजेंट करते होंगे। तो गाइस उन्होंने कहा यस आई एम डूइंग वेल, तो फिर उन्होंने मुझसे फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा वो पूछा व्हाट इज़ योर फुल नेम। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे पूछेंगे इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, बट उन्होंने नहीं पूछा, तो मैंने बताया ओके दिस इज़ माई फुल नेम। फिर उन्होंने मुझसे पूछा वाई लातविया, मैंने उनको बताया गाइस बिकॉज ऑफ 3 major reasons जो कि है लो कॉस्ट ऑफ लिविंग, अफोर्डेबल ट्यूशन फीस बहुत लो होती है, लिविंग कॉस्ट भी बहुत लो होती है, और जो डिग्री मिलती है वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका पास एजुकेशन क्या है, तो मैंने उन्हें बताया कि हाँ मैंने बैचलर्स किया था, इस साल में किया था। फिर उन्होंने पूछा कि बैचलर्स के बाद तो थोड़ा सा गैप लगा है, तो आपने इस दौरान क्या किया,
तो मैंने उन्हें बताया गाइस कि बैचलर्स के बाद मुझे फाइनेंस वर्ल्ड में जाना था, फाइनेंशियल फील्ड में जाना था। तो मैंने काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स क्लियर किए, बहुत सारे, और मैंने एक्चुअली में क्लियर किए थे गाइस। मैंने डॉक्यूमेंट्स में उसे मेंशन भी किया था, मेरे पास काफ़ी सारे सर्टिफिकेट्स और डिग्रीज है इस फील्ड के। तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से इस बात को जस्टिफाई कर दिया कि जो गैप है मैंने उसे अच्छे से जस्टिफाई कर दिया। फिर उन्होंने मेरे फादर का नाम पूछा, उन्होंने व्हाट इज़ योर फादर्स फुल नेम। उसके बाद गाइस उन्होंने मुझसे पूछा आर यू वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। तो मैंने गाइस उसका सिंपल सा आंसर दे दिया उनको, आई एम अ वेजिटेरियन बट समटाइम्स इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन एनी कंट्री यू हैव टू ईट नॉन वेजिटेरियन एंड आई कुक वेरी गुड। देन उसने मुझसे पूछा गाइस सो हाउ यू विल मैनेज। तो मैंने उनको समझा दिया सी फॉर एग्जाम्पल इन एनी कोल्ड कंट्री, जब मैं हिंदी में बताता हूँ गाइस, तो मैंने उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कैसे वहाँ सर्वाइव करोगे, कैसे आप मैनेज करोगे। तो मैंने उनको कहा देखिए किसी भी ठंडी या कोल्ड कंट्री में आप जाते हैं तो प्रोटीन का मिलना आपके बॉडी को बहुत रिक्वायर्ड है। तो मैंने उनको एग्जांपल दे दिया, फॉर एग्जांपल मैं आपसे ऑनेस्टली बताता हूँ गाइस, मैंने उनको ये कहा कि फॉर एग्जांपल अगर ब्रेकफास्ट में मेरे पास दो एग्स हैं, दो ब्राउन ब्रेड है, एक चीज़ स्लाइस है, तो मैं उसे ऑमलेट बना के खा सकता हूँ, उससे मुझे 600 कैलोरीज मिल जाती है और 27 ग्राम्स प्रोटीन मिल जाती है और बाकी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, तो 4 to 5 आवर्स के लिए मैं फुल रहूँगा और मैं हेल्दी रहूँगा। तो बस उसने वहीं मुझे स्टॉप कर दिया, वो बहुत खुश हो गया इतने डिटेल में मैंने बताया, वो बोला ओ वाओ दैट्स ग्रेट यू रियली नो व्हाट यू आर डूइंग, तो ऐसा उन्होंने बोला। फिर लास्ट में उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्लान। तो मैंने उनको बता दिया कि ठीक है मैं अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद इंडिया आऊँगा, इंडिया आने के बाद मेरे ब्रदर है, मेरे कुछ बिजनेस पार्टनर्स है, तो हमें कुछ फाइनेंशियल कंपनी ओपन करनी है। तो मैंने ऐसे बता दिया। फिर लास्ट में उन्होंने पूछा स्पॉन्सर के बारे में, जैसा मैंने आपको बताया था स्पॉन्सर के बारे में वो ज़रूर पूछते हैं। तो मैंने उनको बता दिया मेरे स्पॉन्सर कौन है, उनकी क्या प्रोफाइल है और अच्छे खासे अमाउंट मैंने शो किए थे। तो गाइस मैं आपको बता दूँ, बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि गाइस कि सर आपने क्या अमाउंट लगाए थे, क्या दिखाया था बैंक स्टेटमेंट, तो इन सभी के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी हम वीज़ा इंटरव्यू के बारे में बात कर रहे हैं। तो गाइस जो लास्ट क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा था, टेल मी समथिंग अबाउट योर स्पॉन्सर, हिज जॉब प्रोफाइल एंड हाउ मच फंड यू हैव शोन। तो गाइस मैंने डिटेल में बता दिया, बस उन्होंने इतना कहा ओके दैट्स गुड। और मैंने उनको कहा सर लास्ट में भी आपको ग्रीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने उनको कहा थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, आई होप यू आर सेटिस्फाइड विथ माई आंसर्स। उन्होंने डायरेक्टली कहा ओके बाय। अब अपना अपना स्टाइल होता है तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। दैट्स इट गाइस, स्क्रीन ब्लैंक हो गई और मैंने कॉल डिस्कनेक्ट किया और मैं बाहर आ गया। जब मैं बाहर आया तो मुझे एक एग्जीक्यूटिव थे VFS ग्लोबल के, उन्होंने कहा आपका वीज़ा इंटरव्यू हो गया है सर, आप जा सकते हैं। तो मैंने उनसे पूछने की कोशिश की कि क्या मुझे ईमेल आएगा कि मेरा वीज़ा अप्रूव हो गया या सीधा पासपोर्ट आएगा, बिकॉज गाइस हाउ मच मुझे पता है हमेशा से पासपोर्ट ही आता है। तो उन्होंने कहा सर देयर इज़ नो वे, कोई ऐसा रास्ता नहीं जिससे हम बता सके अप्रूव हुआ है कि नहीं, वो डायरेक्टली पासपोर्ट आएगा, जब आप पासपोर्ट ओपन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपको वीज़ा लगा है कि नहीं। बस गाइस ये था 20 दिसंबर को मैंने वीज़ा इंटरव्यू दिया था और फाइनली मेरा पासपोर्ट मुझे मिला 11 जनवरी को। ये जो 20 डेज का ड्यूरेशन था, ये जो 20 दिनों का वक्त था गाइस, बहुत टेंस था क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया बहुत सारे पैसे लग चुके थे। पैसा तो ठीक है, बड़ी बात नहीं है, वो तो लगाना ही पड़ता है, देना ही पड़ता है, बट गाइस जो मेंटल टॉर्चर हो रहा था अंदर, क्या मैंने सही जवाब दिए सवालों के, क्या पता उसे इस सवाल के जवाब के, इस सवाल का जो जवाब था उसको पसंद नहीं आया होगा, क्यों इतना वक्त लगा है, नॉर्मली 15 वर्किंग डेज में आ जाता है। यस गाइस एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, जब आप वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं उस दिन से लेके 15 वर्किंग डेज के अंदर आपका वीज़ा नॉर्मली आ जाना चाहिए। बट गाइस मेरा वीज़ा एप्लीकेशन मैंने किया था 10 दिसंबर, मुझे मिला 11 जनवरी और 20 दिसंबर को मैंने इंटरव्यू दिया था, तो ऑलमोस्ट 1 month लग गए। इसका रीज़न मैं आपको बता सकता हूँ गाइस, क्योंकि 1 दिसंबर को मैंने हेलो वेरीफाई का पेमेंट किया था, टेक्निकली 1 to 2 weeks 14 डेज में उन्हें रिपोर्ट सबमिट कर देनी चाहिए
एम्बेसी को, लातवियन एम्बेसी को, बट उन्होंने काफ़ी डिले किया। जब मैंने उनको ईमेल भेजा, मैंने उनसे पूछा 14 डेज तो हो चुके हैं, अपनी रिपोर्ट क्यों सबमिट नहीं की, तो उन्होंने मुझे ये बहाना दिया कि पेंडेमिक है इसलिए हम वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं। जबकि गाइस मैंने उन्हें हर एक चीज़ प्रोवाइड की थी, कॉलेज की एड्रेस, यूनिवर्सिटी की एड्रेस, इनफैक्ट मैंने उन्हें अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट्स भी भेजे थे। मैंने उनसे ये भी रिक्वेस्ट किया था कि बॉस मेरी डॉक्यूमेंट्स 100% जेन्युइन है। डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ मैंने ट्रांसक्रिप्ट तक भेजा था गाइस, जिसमें क्लियरली मेंशन था फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के मार्क्स डेट्स के साथ एवरीथिंग्स। और गाइस 10 से 15 मिनट ही लगता है उसे वेरीफाई ऑनलाइन करने के लिए, क्योंकि गाइस आज के दौर में जहां टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है आप ऑनलाइन ही वेरीफाई कर सकते हैं। बट गाइस एज ए यूजुअल इंडिया में लोग ऐसे ही काम करते हैं, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। उसके बाद मैंने बहुत कॉल किए, बहुत ट्राई किया, बट उनका कोई जवाब नहीं आया। फाइनली गाइस उन्होंने 5th जनवरी को मेरी रिपोर्ट सबमिट की एम्बेसी को, उसके बाद 11th जैन को मेरा पासपोर्ट आ गया। अब गाइस एक और फनी चीज़ मैं आपको बता दूं, इस दौरान मैं यूनिवर्सिटी भी अपने खुद के यूनिवर्सिटी गया था, वहाँ मैंने उनसे पूछना चाहा क्या आपको किसी एजेंसी हेलो वेरीफाई से कोई रिक्वेस्ट आई है डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के लिए। उन्होंने कहा हमें कोई भी रिक्वेस्ट नहीं आई है। तो फिर मैंने उनसे पूछा अगर किसी कंपनी को, किसी इंस्टीट्यूशन को डॉक्यूमेंट्स किसी के वेरीफाई करवाने होते हैं मुंबई यूनिवर्सिटी तो क्या प्रोसेस है। उन्होंने कहा ये एक वेबसाइट है, इस पे उन्हें जाना होता है, आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं और कुछ पेमेंट करना होता है 500 रुपीज़ का, और हमें वो रिक्वेस्ट आती है, विद इन 1 वर्किंग डे हम रिप्लाई कर देते हैं कि डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन है कि नहीं। तो गाइस बहुत केयरफुल रहना, आपकी लाइफ है, आपकी वीज़ा एप्लीकेशन है, आपकी ज़िंदगी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। आप किसी पे डिपेंड मत रहना, चाहे वो हेलो वेरीफाई हो, VFS हो, किसी पे नहीं। आगे चल के मैं VFS के बारे में भी बताता हूँ, तो आपको किसी के भी ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। अगर हेलो सी गाइस आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, हेलो वेरीफाई के थ्रू आपको जाना ही होता है, बट अगर आप हेलो वेरीफाई के थ्रू जाते हैं तो आप उनको फॉलोअप कीजिए, आप एडिशनल डॉक्यूमेंट्स दीजिए। जैसा कि मुझसे उन्होंने सिर्फ मांगा था ITR और मेरी लेटेस्ट एडुकेशन क्वालिफिकेशन और पासपोर्ट कॉपी, दैट्स इट गाइस। बट मुझे पता था कि इंडिया में लोग कैसे काम करते हैं, बहुत डिले करते हैं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है कि किसी की लाइफ का सवाल है। हो सकता है अगर हम अपना काम ढंग से ना करें तो उनका वीज़ा भी डिले हो सकता है या रिजेक्ट भी हो सकता है, बट नेवर नो। इसलिए गाइस आप जब हेलो वेरीफाई पर डॉक्यूमेंट सबमिट करें तो मेक श्योर आप फॉलो अप भी रखें, और गाइस एडिशनल डॉक्यूमेंट्स दे दे, ट्रांसक्रिप्ट दे दे, मार्कशीट दे दे, पासिंग सर्टिफिकेट दे दे, बहुत सारी चीज़ें दे सकते हैं गाइस, और अपनी यूनिवर्सिटी से भी टच में रहे जब तक हेलो वेरीफाई आपका रिपोर्ट वेरिफिकेशन का एम्बेसी को सबमिट नहीं करता है तब तक। अब ये बात हो गई हेलो वेरीफाई की, अब हम बात करते हैं VFS ग्लोबल की। तो गाइस जब मैं इंटरव्यू दे के आया तो मैंने उन्हें कॉल करना चाहा, मैंने उनसे पूछा कि नॉर्मली कब वीज़ा आ जाता है, तो उन्होंने कहा गाइस 15 वर्किंग डेज में वीज़ा आपका आ जाता है नॉर्मली, मैक्सिमम, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इंडिया में क्योंकि यही नॉर्मल रूटीन है। तो मैंने कहा मैम मैंने तो 10th दिसंबर को एप्लीकेशन फाइल की थी, पूरे डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे, आज तो 26th दिसंबर है। तो उन्होंने कहा सर हो सकता है कुछ सैटरडे संडे ऑफ पब्लिक हॉलीडेज थे, मतलब ठीक है अप्रिशिएटेड नो प्रॉब्लम। तो उन्होंने भी बहुत डिले, मैंने उन्हें 10th जैन को कॉल किया, मैंने उन्हें कहा गाइस ऑलमोस्ट 1 month हो चुके हैं, मेरा पासपोर्ट अभी तक नहीं आया और ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन भी कुछ नहीं दिखा रही है, क्या आप मदद कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया गाइस कि सर अभी आपका पासपोर्ट एम्बेसी के पास ही है, जैसे कुछ अपडेट आता हम बताएंगे। फिर 4 hours के बाद मैंने फिर कॉल किया, मैम एटलीस्ट ट्रैकिंग तो दिखाना चाहिए, वो ट्रैकिंग भी आपकी वेबसाइट पर अपडेट नहीं है। तो उन्होंने कहा सर कुछ टेक्निकल एरर है इसके वजह से ट्रैक नहीं हो पा रहा है। फिर गाइस 2 घंटे बाद मुझे एक के बाद 4 मैसेज आने लगे, योर पासपोर्ट हैज़ बीन, एक मैसेज में है कि योर पासपोर्ट हैज़ बीन सेंड टू दी OC ऑपरेशन काउंटर इन दिल्ली, एक मैसेज मुझे आया जहाँ लिखा है योर पासपोर्ट हैज़ बीन सेंड फ्रॉम लातविया टू दिल्ली एम्बेसी। अब आप देख सकते हैं गाइस कि अलग अलग इन्फॉर्मेशन। तो मैंने फिर से कॉल किया नेक्स्ट डे 11 जैन को, मैंने उनसे कहा मैम आई एम रियली कन्फ्यूज, 1 महीने के ऊपर हो गया, आपने 15 डेज बोला था, प्लस ये अलग अलग मैसेजेस आ गए हैं, ट्रैकिंग भी कुछ नहीं दिखा रहे। तो गाइस बहुत ही पथेटिक सर्विस थी, जिस चीज़ का वो आपसे चार्ज करते हैं 500 रुपीज़ SMS सर्विस चार्ज, वो बहुत ही पथेटिक थी गाइस। इनके स्टाफ को खुद को नहीं पता होता है कैसे क्या होता है, बस उनको इतना मालूम होता है कैसे आपकी एप्लीकेशन, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कैसे आपसे डॉक्यूमेंट्स लेके सबमिट करने हैं, बस।
तो गाइस मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, जो रियलिटी है ग्राउंड रियलिटी वही आपसे शेयर कर रहा हूँ ताकि आप कॉशियस रहें। तो आप कुछ भी करते हैं, आई एम नॉट ओनली टॉकिंग, मैं सिर्फ स्टूडेंट वीज़ा के बारे में बात नहीं, अपने लाइफ में आप कुछ भी करेंगे स्पेशली इंडिया में, तो आप किसी पे डिपेंड नहीं हो सकते गाइस। बहुत इरिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्टाफ हो इंडिया में, चाहे वो लोकल ऑफिसेज हो, सब कुछ आपको खुद ही अपने हाथों में लेना है, खुद ही फॉलोअप करना है। ऐसी ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो गाइस फाइनली 11th को जब मैंने मॉर्निंग में कॉल किया तो उन्होंने कहा, सर आई एम सो सॉरी, टेक्निकल ग्लिच है, हमें नहीं पता, प्लीज़ वेट कीजिए, जैसे कुछ अपडेट आएगा हम आपको बता देंगे। और गाइस विद इन 2 आवर्स मेरे डोर पे एक बेल बजती है, मुझे पता भी नहीं, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कुछ ऐसा होगा। मैंने अपना डोर ओपन किया, वहाँ से डायरेक्टली एक एग्जीक्यूटिव था ब्लू डार्ट का मेरे डोर पे। उन्होंने कहा, सर आपका पासपोर्ट आ गया। और मैं लाइक आई वॉज शॉक, लाइक मैंने सोचा कि ये कैसे हो सकता है। अभी मुझे अलग अलग मैसेज आ रहे थे, दिल्ली में है, लातविया में है, प्लस VFS ग्लोबल को मैंने जब कॉल किया उन्हें भी कुछ नहीं पता है डायरेक्टली पासपोर्ट कैसे आ गया। तो एक तरफ से मैं शॉक था, एक तरफ से मैं बहुत ही अंदर से डर वाली फीलिंग थी, अब पासपोर्ट आ गया है, इतना डिले हो गया, क्या पता। तो मैंने वहाँ पे गाइस एनवेलप खोला, पहले मैंने जब एनवेलप खोला 1, 2, 3, 5, 6 पेज मैंने टर्न किए तो मुझे वीज़ा नहीं दिखा, मैं बहुत डर गया। और मैंने जो पिक्चर्स दिए थे पासपोर्ट के पीछे ही, वो क्लिप से वो लगाते हैं, तो वो पासपोर्ट के पीछे ही लगा था, तो मुझे लगा कि ये जो पिक्चर्स मैंने दिए थे, नॉर्मली ये यूज़ करते हैं वीज़ा स्टिकर वीज़ा के लिए, स्टैंपिंग के लिए, बट ये पिक्चर तो जैसे लगा के मैंने दिया था वैसे का वैसा ही है, मतलब इन्होंने मेरा प्रोसेस किया ही नहीं है, ऐसे ही पासपोर्ट भेज दिया। तो गाइस मैं बहुत डर चुका था, लेकिन फाइनली जब सेकेंड लास्ट पेज मैंने ओपन किया तो वहाँ पर ऐसा छोटा सा एक वीज़ा लगा था। बस गाइस उस वक्त मैं बहुत खुश हो गया और मेरी सारी मेहनत सारी तकलीफ रंग लाई और मुझे फाइनली स्टूडेंट वीज़ा मिल गया, और देन मैंने स्टार्ट की अपनी आगे की जर्नी। तो गाइस ये थी मेरी पूरी जर्नी, पार्ट 1, पार्ट 2 और आज पार्ट 3 में मैंने आपको बता दिया वीज़ा इंटरव्यू क्वेश्चंस, कैसे वीज़ा इंटरव्यू दिया जाता है, क्या कॉमन क्वेश्चंस है, क्या मुझसे पूछे गए थे, VFS ग्लोबल का रवैया कैसा होता है, हेलो वेरीफाई से बच के रहना, ये सभी बातें गाइस। अब गाइस आगे की जो प्रोसेस है, जैसे कि आपकी वीज़ा आ गई तो आगे आपको क्या करना है, आगे गाइस आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको इंडिया से यहाँ पे आने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले आने हैं, क्योंकि जब आपको वीज़ा मिलता है वो सिर्फ 3 मंथ्स का होता है, 3 मंथ्स तक वैलिड होता है, यहाँ पर आके आपको 10 डेज का क्वारंटाइन करना होता है, और उसके बाद गाइस आपको TRC टेम्पररी रेजिडेंस कार्ड के लिए अप्लाई करना होता है। तो गाइस अब अगले वीडियो में आपको डिटेल में समझाऊंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको इंडिया से यहाँ लाना है, कैसे TRC के लिए अप्लाई करना है। होपफुली गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दे दी, काफ़ी सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे, कन्फ्यूजन्स क्लियर हो गई होंगी। अभी भी गाइस कुछ डाउट या कुछ क्वेश्चंस पेंडिंग है तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे मुझे DM कीजिए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लीजिए और मुझे डायरेक्टली मैसेज कीजिए। तो चलिए गाइस ऑल द बेस्ट, मैं तहे दिल से प्रार्थना करता हूँ कि जो कोई भी स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा है, मैं रियली आई विश कि उनका वीज़ा अप्रूव हो जाए। सभी इंस्ट्रक्शंस गाइस जो भी मेरे चैनल पे जो भी वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन किए प्लीज़ उसे फॉलो करना, 110% आपका वीज़ा लग जाएगा गाइस, अगर आपने सभी इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए और आपके सभी डॉक्यूमेंट्स 100% ओरिजिनल जेन्यून है तो गाइस मैं गारंटी बता सकता हूँ, गारंटी दे सकता हूँ कि 110% आपका वीज़ा लग जाएगा, बस बी पॉजिटिव। तो चलिए गाइस मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।